गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे सारे के सारे? बढ़िया, सब मौज आ रही है? मुझे तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो भाई आज हमारा ऑफिस का आखिरी दिन और सुबह सुबह हम ऑफिस के लिए चल पड़े हैं, लास्ट डे। दो तीन दिन के मजे और फिर उसके बाद फिर से कोई और काम शुरू। तो चलते हैं आज ऑफिस में, अपना हैंड ओवर करके आते हैं सब कुछ, अपनी डोर भाग संभाल के दे के आते हैं किसी को कि ये लो जी अब आप रखो और आप संभालो। अभी मैं टीम पे आई हूँ क्योंकि मेरा गला अभी भी खराब ही हो रखा है, तो मैं कॉफी लेके फिर हम चलते हैं। एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ। पता क्यों? क्योंकि भाई मैं आज अनएम्प्लॉयड हो रही हूँ, इसलिए खुश नहीं हूँ। बट पता नहीं, बस मैं काम छोड़ के खुश हूँ बहुत ज्यादा यार। मैं ऑफिस के सामने खड़ी हूँ भाई, पर मेरा अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं उधर से सीधा इधर जाऊंगी। कल मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती, मैंने जाते ही ऑफिस जाते ही चोट बजवा ली अपने हाथ पे भाई। स्टेपलर की पिन अंदर घुस गई बिल्कुल, ऐसे स्किन के अंदर, बिल्कुल उंगली के अंदर ऐसे घुस गई। अभी भी थोड़ा ना खून आ रहा होगा अभी भी। आज मेरे से सारे पूछ रहे हो, आज तेरा लास्ट डे है, कल से क्या करेगी, कल से क्या करेगी, कल से क्या करेगी। मैं क्या, हवन करेंगे। आज हम जल्दी, मैं जल्दी फ्री हो गई भाई ऑफिस से। आज पहली बार इन्होंने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, ज्यादा देर तक मत रुक, चली जा। आए हाय, इतनी प्यार प्यार से मेरे से बात करी ना, इतने प्यार से अगर पहले कर लेते तो काश। चलो मुझे कुछ कहना नहीं, बट चलते हैं अभी। पहले ना हम मॉल चलते हैं, सेंटर पॉइंट मॉल चलते हैं। यार पता क्या बात है यार, ये रोजर्स वाले ना दिमाग खराब करते हैं बहुत गंदे वाला। तो अभी मैं इनसे थोड़ा लड़ने झगड़ने जा रही हूँ, मेरा डाटा इंक्रीज करे भाई। ऐसे की तैसे इनकी यार, मेरे हाथ ना स्टिल बहुत ज्यादा ब्लू हो रखा है, क्या हो रखा है मुझे नहीं पता इसका क्या हो गया है भाई इसका। कोई कह रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है मेरे हाथ में, कोई कह रहा है कि तेरे में आयरन डेफिशिएंसी है इसीलिए, कोई कह रहा है कि मेरी बाजू में चोट लगी तो यहां से ट्रांसफर हो गया वहां चली गई, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। बट सुनो सबकी, करो अपनी। यार मैं यहाँ पे पहुंच तो गई पर मुझे यही नहीं पता कि स्टोर कहाँ पे है यार, मैं भूल गई। अब मैं क्या करूँ? ओए मिल गया, ये रहा। अब जाके लड़के आते हैं इनसे। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो हम लेते हैं अपना मैंगो स्लशी, रियल फ्रूट मैंगो स्लशी, मैंगो डायमंड स्लशीज, स्मॉल लेते हैं, फ्री मैंगो चंक्स एंड टॉपिंग आइस, ये वो अटम पटम चेक आउट। वैसे तो मेरा गला खराब हो रहा है पर क्या करूं, जीभ ज्यादा चटोरी है। इतना ठंडा है ना ये, मैं गर्म तो कर नहीं सकती, खांसी भी तो मुझे होएगी। इसके अंदर मैंगो चंक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। आवर होम एंड नाउ वी विल गेट रेडी फॉर पार्टी। हो रही है पार्टी, हो रही है, ये क्या हो रहा है? आई एम रेडी फॉर पार्टी। मैंने आज पोनी करी है थोड़ी, कैसी लग रही हूँ? सेक्सी लग रही हूँ ना भाई? मुझे, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं तो कार्टिक कब लगा लिया अपने, पता नहीं मैं खुद को ही अच्छी लगती हूँ यार, किसी और को तो अच्छी लगती नहीं, इसलिए मैं खुद ही अपना कार्टिक का टुका लगा लिया मैंने। देखो मैं दिखाती हूँ, ये आई मम्मी, बढ़िया लग रही हूँ ना? मुझे तो मैं मस्त लग रही हूँ, बाकी पता नहीं, बाकी मैं जा अकेली रही हूँ, कोई नहीं जा रहा मेरे साथ, अकेली ही जा रही हूँ। पर फिर क्या हो गया, अब इंजॉय करना है तो इंजॉय तो करना ही है ना, है ना? वो तो कैसे मर्जी करो, खुद के लिए, खुद का इंजॉय करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि कोई और होना चाहिए, इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ, इंजॉय करके आऊंगी वहाँ पे। यार कितने दिन बाद मैं डांस करूंगी, अब ये मत बोलना पिछले ब्लॉग में किया था, वो डांस नहीं था यार, वो कुछ था, वो मैं अच्छा प्रॉपर वाला डांस करके आऊंगी, वाला मस्त वाला, डिंग ऐसे वाला। कोट भी डाल लिया क्योंकि बाहर ठंड है भाई, वो फैशन अपनी जगह है। और यार मेरा टिफिन भी आया हुआ है, टिफिन रख देती हूँ पहले अपना, पेट पूजा ज्यादा जरूरी है।
यार आज पता क्या हुआ, मेरे टिफिन से ना मेरे हाथ में चोट लग गई, इसलिए मैं थोड़ी सावधानी बरत रही हूँ आज टिफिन उठाने में। एक तो टक 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 होती जा रही है, बीच रास्ते में कहीं पड़ी हुई ना मिल जू मैं तो मेरे को तो पता लगे है ये क्या। इस टाइम यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है ना, मैं 15 मिनट से यहीं पे खड़ी हूँ, 15 मिनट से कोई अभी तक हमें तो एक्सेस मिला नहीं, बाकी पता नहीं क्या हुआ। पीछे मैंने 2-3 और गर्ल्स गैंग बिठा ली है, आई अकेली थी बट बन गए अब सारे अच्छे दोस्त। हाँ भाई हमारी पार्टी बीच में ही बंद होगी, पुलिस आ गई, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने धक्का मुक्की क्या कर दी क्या नहीं, तो बीच में ही बंद हो गया सब कुछ सारा सिस्टम। पर हम घर जा रहे हैं, पढ़ के सोते हैं और तो क्या ही करेंगे। तो यार पहले भूख लगी है, कुछ तो खाऊंगी अगर कुछ बाहर मिला तो, देखते हैं क्या होता है। इतनी कंजस्टेड थी ना, इतना कंजेशन था ना, मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई, मैं डांस भी नहीं कर पाई, मेरा बहुत बोरिंग पार्ट लगा उसको, मैं मज़ा नहीं आया। खाना पीना डन और काम पे फिर से आ गए। तो अभी हम काम ख़त्म करते हैं और फिर हम घर चलेंगे, पढ़ के सो जाएंगे, इसलिए आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।